ये हौसलों की उड़ान है। ये हमें क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे धड़कने थम गई, सांस में सांस नहीं। शकुर, इसका खेल खलास, अब चकोर भी आखिरकार मरी गई। हार गई रे छिकली, तुम हार गए। क्या कहा था मैं तुझसे? क्या कहा था कमल नारायण राजवंशी? आज नहीं तो कल जीतेगा। अजेंद्र, अजेंद्र, अजेंद्र जीत गए। बहुत सताया है रे। हर बार हमें और अपनी मौत को धोखा देकर निकल जाती थी, लेकिन इस बार हमने हिसाब बराबर कर दिया। तेरी वजह से वो जो बंधुआ कुत्ते हैं, बंधुआ कुत्ते हो, उनके पंख लग गए थे, उड़ रहे थे आसमान में, आसमान में उड़ रहे थे उड़ान। सभी की उड़ान बंद पर काट दी हमने, सभी पिके पर काट दिए। जीत गए आप, जीत गए। सुने, नाश को उठाओ और नदी में बहा दो। अरे चकोर, भगवान तेरी आत्मा को शांति दे, शांति दे। आप चकोर को मार दिए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? ये मार दिया हमने, तेरी बहन को मार दिया, हमारी सबसे बड़ी दुश्मन। खत्म। तू भी नहीं बचेगी, क्योंकि तूने वो सब कुछ देख लिया जो तुझे देखना नहीं चाहिए था। जाएगी अपनी बहन के पास, ऊपर भेजेंगे, हम भेजेंगे ऊपर जाकर दोनों बहनें गले लगकर जितना रोना है रो लो। पर आप हमका कैसे मार सकते हो? क्यों, कौन कौन रोकेगा हमें? अगर हम एक बहन को मार सकते हैं तो दूसरी बहन को भी खत्म कर सकते हैं। तुमने अपना बच्चा ही नहीं खोया, हमें भी खो दिया। मैं अपना सामान पैक करूं और जाओ यहां से।
जब दिलों में दूरियां आ जाए साथ रह के भी कोई फायदा नहीं, दूरी हो जाना ठीक है। चकोर चकोर चकोर, उसकी वजह से हमारा विवाह हमसे छूट गया और अब हमारा प्राण भी हमसे छूट जाएगा उस एक चकोर के कारण। जब वो जिंदा थी तब भी हमका खुशी नहीं हुई थी और अब बनने के बाद भी मुसीबत में डाल के मरी। चकोर, जब से तुमसे प्यार किया है तब से जिंदगी सीधे रास्ते पर चली ही नहीं, कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रही, बहुत से उतार चढ़ाव भी आते रहे। हाँ, लेकिन इन उतार चढ़ाव में भी मजा तो बहुत आया और हम जानते हैं कि आगे भी बहुत मजा आएगा। लेकिन तुम रह कहां गई हो, अभी तक आई क्यों नहीं? अभी तक तो तुम्हें आ जाना चाहिए था ना चकोर। एक मिनट, ऐसा तो नहीं कि वो हमारी पहेली में ही फंस के रह गई या फिर हमारी पहली पहेली नहीं सुलझा पाई? एक बार हवेली फोन करके देख लेते हैं। हेलो, चकोर हवेली पे आई थी क्या? अरे सूरज बेटा, तुम कहाँ हो? अरे मम्मी, हमारी छोड़िए ना आप, ये बताइए कि चकोर हवेली पे आई थी कि नहीं? हाँ, वो आई थी, तुम्हारे कमरे की तरफ चली गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? चकोर सही जा रही है, हमें बराबर ढूंढ रही है, बस यहाँ पर आती होगी। अच्छा अच्छा मम्मी, ठीक है, यही पूछना था हमें। अरे ये आजकल के बच्चे भी ना अजीब होते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं। आइए मैडम आइए, हम भी पलके बिछाए बैठे हैं आपके लिए, एक बार देख लेते हैं सब ठीक है कि नहीं। हमें उसे इतना परेशान नहीं करना चाहिए, क्या जरूरत है हमें उसके प्यार का इम्तिहान लेने की? हर बार इम्तिहान लेते हैं जबकि हम जानते हैं कि हम उससे जितना प्यार करते हैं उससे कई ज्यादा प्यार वो हमसे करती है। हम भी ना बेकार ही फिक्र करते रहते हैं, चकोर हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं। की गोद में चको, धरती से इसकी शान हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति शांति। कमल नारायण, हम तो सोचे थे कि आप बहुत समझदार हो, पर आप तो बिल्कुल अनाड़ी निकले, इतनी बड़ी गलती करे को जा रहे हो। क्या मतलब? मतलब ये कमल नारायण कि आप चकोर को तो मार डाले, उसके बाद आप हमका मारना चाहते हो। हम ये तो जानते कि आप चकोर को मारने के लिए बहुत प्लान बनाया होगा ताकि कोई भी आपके ऊपर शक ना करे, मगर हमारी बात का कहाँ जवाब दोगे लोगों को? दो बहन जिससे आप बहुत नफरत करते थे वो दोनों गायब हो गई, मर गई, तो शक तो आपके ऊपर ही करिए ना सब लोग। पुलिस आपके पास आए ना है, पर सूरज आपके पास जरूर आई है। आपका क्या लागत है? आपका सूरज छोड़ दिया का? ये जानने के बाद कि आपने उसके प्यार को मार डाला, क्या लागत है? आप जिंदा बच पाओगे? ना ना रे ना, तुझे कैसे छोड़ेंगे? तुझे छोड़ते ही तो दौड़े दौड़े वहां जाएगी, किसके पास? सूरज के पास। सब कुछ बता देगी उसे, मरना होगा। कमल ना
चला रहा। बहुत चला करे तू। आखिर बहन किसकी है? उस चतुर चकोर की, दिवंगत दिवंगत चतुर चकोर की, उसी की बहन है तू। यानी यकीनन हम तुझे छोड़ेंगे और तू जाएगी सूरज के पास, सब कुछ बता देगी। सूरज के पास जाकर हम बताएंगे, अगर हम ये नहीं बताएंगे कि आपने चकोर को मार डाला, हम ये बताएंगे कि चकोर तुमको छोड़कर चली गई। सूरज, वो तुमसे ब्याह नहीं करना चाहता, इसलिए तुमको छोड़कर चली गई, भाग गई हूं। चकोर कहीं फिर से हमें छोड़ के भाग तो नहीं गई? नहीं नहीं, वो हमें छोड़ के क्यों भागेगी? मजाक कर रही है हमारे साथ। चकोर क्यों कर रही हो हमारे साथ मजाक? चलो अब खत्म करो मजाक, बहुत हो गया। और ऐसा करने से तुम्हारा राज राज ही रही है। मगर क्यों क्यों माना, हम तुझ पर कैसे विश्वास करें और तू हमारा साथ क्यों दे रही है? क्यों कहीं कम जिंदा रहना चाहते? ये जो इंसान तेरे सामने खड़ा है, कमल नारायण राजवंशी, ये तुझे बेवकूफ नजर आ रहा है? तुझे छोड़ने पर वो सूरज हमसे बदला ले या ना ले ये हमें पता नहीं, लेकिन तू नहीं छोड़ेगी हमें। फिर से पूछ रहे हैं तुझसे, वो तेरी बहन जो गई, वो तुझे तेरी जान से प्यारी थी, तू खुश क्यों हो रही है उसकी मौत पर? हमारे समझ में नहीं आ रहा क्यों? अरे मेंढकी, तेरी कहानी खत्म करनी पड़ेगी है। अगली गोलियां तेरे माथे पर, माथे पर, समझे? तैयार हो जा, चल जा। क्यों यार? नहीं कमल यार। क्यों क्या? रुको, पहले हमारी पूरी बात सुनो। बोल। हाँ ये सच कि हम उस चकोर से बहुत प्यार करते थे, वो हमारी बहन थी, हमारी जान से भी ज्यादा हम उससे प्यार करते थे, अपना गुरु अपना दोस्त अपना सब कुछ मानते थे हम उसे, मगर उसने हमें धोखा दिया। बहुत स्वार्थी निकली हूँ, हम उसका पीछा ही कर रहे थे, हम यहीं पर आ रहे थे, हमें लगा यहाँ पर सूरज ही होगा, पर यहाँ पर तुम निकले। वो चकोर तो सूरज के सुराग पर यहाँ चलती हुई आई थी, पर सूरज के बदले आप कैसे और वो यहाँ कैसे पहुंचे और सूरज के पास कैसे नहीं पहुंचा? हमने सूरज की पहेली का आखिरी हिस्सा जो है वो हमने बदल दिया था। तेरी बहन मासूम बछड़े की तरह ओम करते यहां पहुंच गई। कमल नारायण जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमका एक पाप करने से बचा दी। हम भी चकोर को सजा देना चाहते थे और इसीलिए उसे ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पहुंचे। अच्छा ये कि आपने उस चकोर को मार डाला। चाहते थे कि हमारे जीवन से चली जाए, हमेशा हमेशा के लिए चली जाए, मगर इस तरह चली जाएगी ये हमने नहीं सोचा। मगर चलो अच्छा ही है कि निकल गई, शायद हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा। नफरत करते हम चकोर से, नफरत करते हम, बहुत नफरत करते। अच्छा लग रहा है सुनने में, ये शब्द जो है ना नफरत, अच्छा लग रहा है। किसके लिए? उस छिपकली चकोर के लिए। वाह वाह, चलो भाई, दुनिया में कोई हमारे अलावा भी है जो उस छिपकली को नफरत करता है? अच्छी बात है। हाँ, बहुत नफरत करते हैं, बहुत नफरत। एक तरफ से हमका अफसोस है, उनका दुख है इस बात का कि वो चली गई, वो मर गई,
कर हम अपना बदला पूरा करे के लिए उसका वापस तो नहीं ले सकते ना, इसलिए हम खुश है। और कमल नारायण हमारा यकीन मानिए, आपका जेल भेजने से भी हमका कोनो फायदा नहीं है, ना ही हमका कोनो खुशी भी मिली है। फायदा और खुशी तब मिली हमका जब हम एक दूसरे की सहायता करें, जब हम सूरज को जाकर ये बोले कि तुम्हारी चकोर तुमका छोड़कर भाग चुकी है हमेशा हमेशा की। इसलिए फैसला आपके हाथ में, या तो ये पिस्तौल में जितनी भी गोलियां यानी कि 5 गोली आप हमारे भेजे में उड़ा दो, या हमारा हाथ थाम। क्या बोलो तो कमल, ये सौदा मंजूर है?